कोरोना से लाखों लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। सरकारी बद इंतजामी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोग बेहाल हैं। जिंदगी पर आए इस आफत को लेकर योगी सरकार के एक मंत्री ने बड़ा बेतुका सा बयान दिया है। यूपी के वित्त और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि कोरोना संकट काल में होने वाली मौत की एक बड़ी वजह है भय, इसलिए लोग भय को ना फैलाएं। आपको बता दें, कोरोना संकट को लेकर यूपी के मंत्री का बेतुका बयान सामने आया। मंत्री ने कहा है कि कोरोना से मौत की एक बड़ी वजह जो है वो भय है, ना कि बद इंतजामी। आपको बता दें, ये मंत्री हैं यूपी के वित्त और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, जो एक निरीक्षण के लिए अस्पताल में पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। साथ ही आपको बता दें, जर्नलिस्ट से भी बात करते हुए उन्होंने यही बात कही। क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। बात सिर्फ यह है कि हम लोगों को जैसे ही कोरोना हुआ, वैसे घर से लेकर बाहर तक लोग घबराहट पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं। तो भय भय भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे मौतें हुई, बहुत बड़ी वजह है। इसलिए हमको किसी प्रकार से भयभीत न तो किसी को करना चाहिए और न कोई ऐसी बात कहना चाहिए जिससे आदमी भयभीत हो सके। संजय त्रिपाठी जुड़े हमारे साथ संवाददाता ताज़ा जानकारी लिए। संजय, भय जो है वो कोरोना बढ़ने की वजह है, लेकिन यूपी में हुए पंचायत चुनाव को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है, ना ही हम किसी और चीज़ की बड़े सम्मेलन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? देखिए शिखा, बड़ा बेतुका टाइप बयान है इनका, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का। ये पूरे प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन जितने भी मेडिकल कॉलेज आते हैं, वहाँ सभी ने देखा किस तरह की बदहाली है, किस तरह मरीजों को उपचार नहीं मिला, ऑक्सीजन की कमी नजर आई। तो सारे के सारे इंतजाम जो किए गए थे कोरोना संक्रमण काल के लिए, वो धरे के धरे रह गए। और ऐसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए मंत्री जी ऐसा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं जब इन्होंने इस तरह का बेतुका बयान दिया हो, इसके पूर्व भी ये कई बार इस पर बयान दे चुके हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले इनसे वैक्सीन के बारे में जानकारी की तो ये कोई जवाब नहीं दे पाए। तो इस तरह के बयान देना इनकी आदत है। और ये कहीं ना कहीं भय जो उत्पन्न हुआ है कोरोना काल के बजाय, जो सरकारी बद इंतजामी है उसके जरिए ज्यादा उत्पन्न हुआ है। और लोगों की मौत के पीछे भी बद इंतजामी ही कारण है। और उस नाकामी को, उस बद इंतजामी को अपने सर लेने के बजाय जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कोरोना के भय की वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो ये बहुत ही निराशाजनक है। जिस समय सरकार को उपाय करने चाहिए लोगों की जान बचाने के लिए, उन्हें सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए, तो उस तरह में इस तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना जो फैलता जा रहा है और उससे जो मौतें हो रही है उसकी बड़ी वजह है भय, ना कि बद इंतजामी। मंत्री जी, कोरोना से मौत की एक बड़ी वजह। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।